यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। ग्राफ दो तरह के होते हैं क्लास 9 साइंस में, एक है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। फर्स्ट केस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां आ जाएगा आपका डिस्टेंस और यहां आ जाएगा टाइम। तो यहां लिख देंगे हम डिस्टेंस मीटर्स में और यहां लिख देंगे हम टाइम इन सेकेंड्स। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डिस्टेंस पे है। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेट से 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसका मतलब हर सेकेंड में वो सेम डिस्टेंस पे होगा। यहां लिख लेते हैं 10, यहां 20, यहां 30, यहां पे 40, और यहां सेकेंड आ जाएगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब हमने क्या एज्यूम किया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो फर्स्ट सेकंड में भी 40 मीटर पे होगा, सेकंड में भी यहां पे होगा, थर्ड सेकंड में भी इधर होगा, फोर्थ पे भी इधर होगा। हर सेकंड में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सेम जगह पे है। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object travels equal distance in equal interval of time, it means first second में अगर travel कर रहा है 10 meter, तो second second में करेगा ये 20 meter, third second में करेगा 30 meter, और fourth second में करेगा 40 meter। इसका graph plot करते हैं एक बार। Again यहां आ जाएगा distance, यहां आ जाएगा time। So ये हमने लिखा यहां पे distance, यहां पे हमारा आ गया time। अब limits लेते हैं यहां पर, seconds लेंगे 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, और यहां पे अगेन डिस्टेंस आ जाएगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। फर्स्ट सेकंड में कितना कर रहा है? 10 मीटर, तो फर्स्ट पे 10 मीटर, सेकंड पे करेगा, फर्स्ट पे आपका कर रहा है ये 10 मीटर, सेकंड पे करेगा 20 मीटर, थर्ड पे करेगा 40 मीटर, फोर्थ थर्ड पे करेगा 30 मीटर, फोर्थ पे करेगा आपका 40 मीटर। अब इसका जो ग्राफ बनेगा यहां पर वो क्या बनेगा? इसका जो ग्राफ बनेगा, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं यहां पर, इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आएगा, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप इक्वल होगा स्पीड के। तो ये स्लोप है ये हमें किसकी वैल्यू बताएगा? ये स्लोप हमें स्पीड की वैल्यू बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बात तो हुई हमारी यूनिफॉर्म मोशन की। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? टाइम लेते हैं यहां पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और अगेन यहां पर लिया हुआ है डिस्टेंस 10 मीटर। अब यहां लिमिट ज्यादा ले लेते हैं, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, और यहां पर हो गया 80, 100 एंड 120, 40, 20, 40, 60, 80, 100, 120। नाउ अनइक्वल डिस्टेंस मींस मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में कवर हुआ यहां पे 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर नहीं होगा, दूसरे में हो गया लेट से 40 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में लेट से हम लेते हैं 100 मीटर या 80 मीटर ले लेते हैं कुछ भी, तो तीसरे सेकंड में यहां पर हो गया लेट से 90 मीटर, तो थर्ड सेकंड में यहां आ गया 90 मीटर। और इसी तरह हम ग्राफ लेते हैं लेट से फोर्थ सेकंड में और भी ज्यादा हो गया, तो फोर्थ सेकंड में और भी ऊपर ले लेते हैं पॉइंट। तो इसका जो पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसे कर्व आएगा, तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। तो अगर हम प्रॉपर एक ग्राफ बनाएं यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम एक कर्व बनाएंगे लाइक दिस, यहां डिस्टेंस, यहां टाइम, और इस तरह का एक कर्व होगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह हमने पूरा कवर कर लिया है यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।